सर मल्टीपल स्टैबिंग का केस है। जिस तरह के कपड़े पहने हैं लगता है कि कोई प्रोस्टिट्यूट है। हो सकता है अपने क्लाइंट के साथ झगड़ा हो गया और क्लाइंट कोई गुंडा मवाली होगा जिसने उसे स्टैब कर दिया। लेकिन गायकवाड अगर ये प्रोस्टिट्यूट है तो दिन दहाड़े इस पब्लिक पार्क में। एक काम करो, पता करो आसपास कहीं इसका रेगुलर स्पॉट है और कोई इसे जानता है क्या, पूछो उधर। सर आप में से फोन किसने किया था? सर मैंने किया था। सर बॉडी के पास ये पर्स मिला है, शायद इसी लड़की का है। क्या पर्स में? सर एक मोबाइल है, कुछ पैसे है और सर मेकअप का सामान है। आई कार्ड है क्या? देखो। नहीं सर, आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है। ठीक है, काम करो ये मोबाइल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है देख लो और उसमें लास्ट कॉल देखो किसका है, उससे पूछताछ करो। सर सर कुछ नहीं मिला। सर या तो इसे कोई भी नहीं जानता और आसपास कहीं मर्डर वेपन भी नहीं मिला। ठीक है, पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर मुंबई शहर के एक पब्लिक पार्क में जहां शाम के वक्त बहुत हलचल होती है, एक सजी धजी लड़की की डेड बॉडी मिलना अपने आप में एक दिल दहलाने वाली घटना है। इस घटना से दिमाग में कई सवाल उभरते हैं। कौन थी ये लड़की? क्या ये लड़की प्रोस्टिट्यूट थी? अगर ये प्रोस्टिट्यूट थी तो शाम ढलने से पहले ही ये एक्टिव क्यों थी? और अगर वो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी तो इतना सज धज कर एक पब्लिक पार्क में वो किससे मिलने आई थी? इन सारे सवालों से हमारे कान खड़े हो गए थे, तो क्या उस लड़की को इन सवालों की दस्तक नहीं मिली होगी? जरूर मिली होगी, लेकिन उसने सुनकर भी उसे अनसुना कर दिया और उसका नतीजा हुआ एक जुर्म, एक खून। सर सर पार्क में जो लाश मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों? लो वड़ा पाव खाओ। लो सर मुझसे वड़ा पाव नहीं खाया जाएगा। अरे सर आप रिपोर्ट पढ़िए। देखो भगवान का प्रसाद और मुंबई का वड़ा पाव, उनको ना नहीं बोलते, पहले वड़ा पाव खाओ। सर मैं वो नहीं खा पाऊंगा। सर आप ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़िए पहले। क्या हुआ गायकवाड? क्या ये हमारे डॉक्टर पागल हो गया क्या, या नींद में बनाई है रिपोर्ट उसने? सर मैंने डॉक्टर से रिकन्फर्म किया, ये रिपोर्ट सही है। मतलब हमें जिस लड़की की लाश उस पार्क में मिली वो लड़की नहीं लड़का थी, मतलब लड़का था। जी सर। इसमें किसी होमोसेक्सुअल एक्टिविटी का तो कोई जिक्र नहीं है, तो फिर एक लड़का लड़की की तरह ड्रेसअप होकर सज धज कर पार्क में क्या कर रहा था? आज के जमाने में हम लड़के और लड़कियों को समान मानते हैं। हमारे आसपास हम कई सारी ऐसी लड़कियां देखते हैं जो लड़कों की तरह ड्रेसअप होती है, और इतना ही नहीं वो लड़कों की तरह काम भी करती है। लेकिन आज के जमाने में भी एक लड़के का एक लड़की की तरह सज धज कर तैयार होना, पार्क में जाना और वहां उसका खून। इस केस को सॉल्व करने के लिए लड़की बनने वाले इस लड़के के जिंदगी के डिटेल्स का पता लगाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। आज के लिए बस हो गया। एक बात बता, तू तो सिर्फ दो चार तरह के स्टेप्स करती है। ध्रुव मैं वही डांस करती हूँ जो माधुरी दीदी ने मुझे सिखाया है। तुझे पता है ना माधुरी दीदी बार में डांस करती है तो कितने पैसे लुटाते हैं उन पर लोग। तुझे पता है ना ध्रुव, गुजरात से मुंबई वही मुझे लेकर आई है और उन्होंने ही मुझे चांस दिया है, चाहे वो लाइफ हो चाहे डांस। मैं वही करूँगी जो माधुरी दीदी मुझे कहेंगी, वही मेरी गुरु है। क्यों एंजल? पर ये स्टेप्स तो बहुत इजी है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। करो तो जानू। करके दिखाऊ? हाँ पक्का। हाँ हांड बना फिर रहे, तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा गया, गुलछरे उड़ाने के लिए नहीं, समझा ना? चल एंजल आप भी चलो। चल देख क्या रहा है।
जल्दी झाड़ू लगा, कभी काम नहीं किया क्या? इधर 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 साफ कर ठीक से। आ जाओ हाँ, चप्पल निकालो। अरे क्या हुआ? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ हाँ कर, आ कर, आ कर। ठीक है मेरा बच्चा, जा जाके कपड़े बदल। क्या कर रहा है तू ये? वो बाई नहीं आई ना, तो इसी ने कहा कि मैं काम कर देता हूँ। मैं तेरे को जानती नहीं दीदी, तुझे ना मुफ्त में रोटी तोड़ने की आदत हो गई, कम से कम ये तो सोचा कर कि बच्चा है, एक दिन बाई नहीं आई खुद कर लेगी तो घिस जाएगी क्या? अच्छा नहीं, बोझ है, माँ बाप तो मर गए लेकिन बोझ हमारे ऊपर छोड़। बस कर, तू भी तो बोझ है, तू और तेरा निकम्मा पति करता क्या? सोच अगर मैं नहीं होती ना तो क्या होता तुम दोनों का? आई बड़ी बोलने की। हाँ तो कम से कम एंजल का ध्यान तो रखती हूँ ना मैं। हाँ हाँ बिल्कुल रखती है, उसके लिए इतने पैसे भी तो लेती है, लेती है ना, थोड़ी तो शर्म कर, हमारे सगे भाई का बेटा है, हमारी जिम्मेदारी है। आई बड़ी एंजल का ध्यान रखती हूँ, आगे से सब नहीं करना। कुछ खाया? मैं मंगाती होटल से कुछ, उसने बोल दिया लगा झाड़ू लगाने। माधुरी समझती क्या अपने आप को? दो टके की इज्जत तो है नहीं, बार डांसर कहेंगे और तू भी यहाँ चिपकी पड़ी है उसके पास। तो क्या करूँ, तुम्हारे माँ बाप भाई भाभी के साथ मन रूम किचन में रहूँ? तो रह यहाँ उस एंजल की नानी बन के, जिसके बाप का तो कुछ आता पता है नहीं। मुझे तो ये माधुरी बिल्कुल पसंद नहीं है, देख अभी भी खड़ी है जासूस बन के यहाँ पर। माधुरी उतनी बुरी नहीं है, लेकिन जब से ध्रुव आया है ना तब से बदल गई है। उसे लग रहा है कि मेरे बिना उसका चल जाएगा, लेकिन इस ध्रुव का कुछ करना पड़ेगा, उसे इस घर से निकालना ही पड़ेगा। नाम लिया और आ गया, जल्दी मरेगा भी नहीं। अरे तू इस पीड़ा को यहाँ से निकालने के बजाय खुद निकलने का क्यों नहीं सोचती? जल्दी से जल्दी जितने हो सके नोट निकाल तेरी बहन से, अपना खुद का घर ले लेंगे। ब्लाउज का नेक डीप रखा है ना, और बैग भी। मैडम आपने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही बनाया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अरे मैडम पीछे कहाँ बैठ रही हैं, आगे बैठिए, एसी की अच्छी हवा आएगी और व्यू भी अच्छा मिलेगा। आई आई बैठिए। ठीक है। बोले भैया ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? मैंने देखा आपने उसको जबरदस्ती टच किया। अरे तुम काहे फड़फड़ा रहे हो, हनी को भी पता है कि हमसे गलती से टच हुआ है, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। बैठ जाओ। ए मेरे नहीं, हनी के। पैर छो और बोल आगे से ऐसी गलती नहीं होगी बहन। आगे से ऐसी गलती नहीं हुई बहन। अपनी औकात में रहकर समझाना, और अपने ये हाथ है ना जेब में रखने की आदत डाल, वरना इतने टुकड़े करूंगी कि सिग्नल पे भीख मांगने लायक भी नहीं रहेगा। जा चल गाड़ी निकाल। ये देखे 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 देखे। अरे मेरे को भी भेजना है। ओके बस चाहिए। हाँ ये बोला लेते इसकी। चलना है। अरे बोला भैया कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया हो ना, कुछ खाए पिए? यार आपके ही मजे, फ्री में आके सीख लेते हो। सच में? अरे मजाक नहीं कर रहा। चलो अभी जाओ, मैडम आने वाली है। अरे बोला भैया चले जाएंगे यार। बोला भैया एक रिक्वेस्ट थी, हमें भी कभी डांस बार ले चलिए ना। एक बार लेके चलो, एक बार। हाँ प्लीज यार। अरे हाँ एक बार प्लीज यार। मैडम दीदी तू जा एंजल को लेके, ध्रुव है मेरे साथ। बाय बेटा।
हनी, हनी कहाँ है तू? बाप रे, क्या लड़की है यार! क्या बात है ध्रुव, क्या लड़की है! देख देखा, सही लड़की है यार। यार ध्रुव, इतनी बुआ मस्त मस्त लड़कियां यहाँ लाती है और उन्हें बार डांसर बना देती है। बार डांसर नहीं, सोशल वर्कर। ए, मेरी बुआ के बारे में ऐसा मत बोला, वो खाली डांस करती है, डांसिंग उनका प्रोफेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देवी है वो, गरीब लड़कियों की मदद करती है ताकि उन्हें काम मिले। हाँ, जैसे तू वो हनी के साथ लगा रहता है। मेरे पापा भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, वो भी गरीबों की हेल्प करते थे। उनके पास तेरी बुआ की तरह एक ही बिल्डिंग में दो फ्लैट, एक सेडान और एक एसयूवी नहीं है। अरे अरे अरे, तुम बच्चों जैसा क्यों झगड़ रहे हो? ध्रुव, पटाखा का फोटो लाया, काम की बात करते हैं। यार ध्रुव, हमें बस इस लड़की से एक बार मिला देना यार, प्लीज, ओनली फॉर फ्रेंडशिप। हाँ यार, प्लीज एक बार मिला दे। अरे यार ध्रुव, तू ही हमारा दोस्त है यार, तेरा नाम कौन है यार? प्लीज कुछ तो कर यार, प्लीज। हाँ यार, प्लीज एक ही बार मिला यार, प्लीज यार ध्रुव, प्लीज। ये ध्रुव ना हमेशा की तरह लटकी दे देता है यार। मट्टू है साला, फिर से कल्टी ले लेगा। मैंने बोला था ना, ये साला कोई लड़की वड़की नहीं ला सकता, पूरा मूड खराब कर दिया। भाई ऐसा होगा तो मैं घर जा रहा हूँ। सॉरी दीदी, मैं इसको अभी निकाल। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बैठ बैठ। एक चीज की कमी है, मेकअप। अरे वाह वाह वाह, अब लग रहा है ना तू ध्रुव से ध्रुवी, एक नंबर। मैं काम करती हूँ, तेरी एक फोटो भी खींच लेती। ध्रुव, मैं आज तुझसे वही सवाल पूछता हूँ जो मेरा बाप मुझे रोज पूछता है और परेशान कर देता है। क्या भाई, तू लाइफ में क्या करना चाहता है? मैं ना अपनी बुआ की तरह बनना चाहता हूँ, ताकि मेरे पास एक बड़ा सा घर हो, बहुत सारी गाड़ियाँ हो, बहुत पैसा हो और मैं दूसरों की मदद कर सकूँ। फिर ना भाई, लाइफ ने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अगर तू लड़की होता ना तो अपनी बुआ के जैसा बार डांसर होता और रोज सुबह बैग भर कर पैसे घर पे लाता। और तू जो है तेरी जहरीली बुआ है ना शिल्पा, उसकी सुननी भी नहीं पड़ती। और वो कमीना भोला तेरा ड्राइवर होता। ओए, ये सब ना ये अभी भी कर सकता है। कैसे? जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बहकाता है और हम बड़ी आसानी से बहक जाते हैं। हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है और हम ये समझ नहीं पाते कि हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं या सूली। ध्रुव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी आगे बढ़ने की ललक और अपनी बुआ माधुरी की तरह अमीर बनने की चाहत ने उसे बार डांसर बनने पर उकसाया और नतीजा हुआ एक। सर, सर पार्क में जो लड़की के ड्रेस में लड़के की बॉडी मिली थी उसकी इन्फॉर्मेशन हमने सभी पुलिस स्टेशन में भेजी थी, लेकिन कहीं भी उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं। सर, उस लड़के के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, मौत के ठीक 2 घंटे पहले उसकी लास्ट बातचीत इस नंबर पे हुई थी और इसी नंबर से उसे कई बार मिस कॉल भी आई थी। सर एक काम करो गायकवाड़, ये जो नंबर है इसके डिटेल्स निकालो और पता करो ये कौन है। सर
ये हनीशा का घर है। ते मारी छोकरी छे, तमे कौन? हम मुंबई पुलिस से। पुलिस? क्या हुआ मेरी बेटी को? मेरी बेटी ठीक तो है ना सर? एक मिनट, आप घबराइए मत, हनी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक केस के सिलसिले में हमें हनी से बात करनी है। आप बुलाएंगे उन्हें? सब वो तो मुंबई में रहती है। मुंबई? एक बहुत अच्छी महिला है माधुरी सेठी, उसके पास मेरी बेटी रहती है। माधुरी सेठी ने हनी को बहन मानकर गोद लिया है साहब, उसने उसको काम भी दिलवाया है और हमेशा अपने साथ रखती है साहब। इस माधुरी सेठी का एड्रेस और फोन नंबर मिलेगा? माधुरी सेठी, आप में से माधुरी सेठी कौन है? मैं हूँ साहब, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? आपको किसने फोन किया? साहब हमको पुलिस की हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज आप जाइए। एक मिनट, आप शांत हो जाइए। देखिए, हमें हनीशा से बात करनी है। हनी से क्यों? कुछ पूछताछ करनी। किस बारे में साहब? एक लड़के के फ़ोन से हनी के फ़ोन पे आखिरी कॉल किया गया और हमें उस लड़के की डेड बॉडी मिली। आप जब रो रही थी तो मैंने सुना आप कह रही थी कि हम तुझे गुनहगार समझ रहे थे। किस बात के लिए गुनहगार समझ रही थी आप ध्रुव को? देखिए, आप हमसे कुछ भी मत छुपाइए, क्योंकि अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो हम ध्रुव के कातिल को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। बताऊंगी साहब, सब कुछ सच सच बताऊंगी। मैं नहीं डरती किडनैपर विडनैपर से, और वैसे भी भगवान का आशीर्वाद रहा ना तो मेरी बेटी जरूर मिलेगी, सही सलामत मिलेगी मुझे। एक मिनट, कौन किडनैपर? अब किस किडनैपिंग की बात कर रही है? किसकी किडनैपिंग हुई है? मेरी बेटी का साहब, एंजल का। पहले हम लोगों को लगता था कि ध्रुव ने किडनैप किया उसे, लेकिन नहीं साहब, अभी उसकी डेड बॉडी देखने के बाद कन्फर्म हो गया कि हम सब लोग ऐसे ही सोच रहे थे। ध्रुव ऐसा कर ही नहीं सकता था, ना तो उसने किया है साहब। आपकी बेटी की किडनैपिंग हुई, कब हुई? दो दिन पहले साहब, ध्रुव के गायब होने के एक दो घंटे पहले। तो आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैंने सोचा था साहब कि मैं पुलिस कंप्लेन करूं, लेकिन आपको नहीं मालूम साहब, हमारा ये बार और डांसर लोगों की जो लाइन है ना, बाहर से जितनी ग्लैमरस पैसा सब दिखता है ना साहब, वैसा है नहीं, सारी बहुत गंदी है। हेलो मनसुख सेठ। अरे मैंने बोला था ना, वीकेंड पे तो मिलने वाले, फिर अभी वीकडेज में क्यों फोन किया? पैसा चाहिए क्या? अरे नहीं बाबा, मेरी बेटी गायब हो गई है, सब जगह ढूंढ लिया, यहाँ वहाँ कहीं भी पता नहीं चल रहा है, मैं सोच रही पुलिस कंप्लेन कर दूं। अरे मरवाओगे क्या? डांडी थी क्या? अरे तू पुलिस में कंप्लेन करेगी, पुलिस तेरे घर पे आएगी, फिर पूछताछ करेगी कि घर किसका है, फिर तू बोलेगी ये घर मेरा है, तो फिर पुलिस मेरे घर पे आएगी, मेरी पूछताछ करेगी, फिर बीवी को ये पता चलेगा कि मैंने एक बार डांसर को रखेल बना के रखा है। अरे तू समझती केम नहीं थी, मेरी बदनामी होगी, सर्कल में बदनाम हो जाऊंगा, घर में बदनामी होगी। एक काम करो, फिरोज के लिए फोन आने दो, वो जितने पैसे मांगेंगे ना उनके मुंह पे मार देंगे और एंजल को छुड़वा लेंगे, ठीक है? बस इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट करने का प्लान ड्रॉप कर दिया साहब। आपकी बेटी क्यों? छे
6 साल की है सब, और उसे दमा की बीमारी है सब। ये तो बहुत सीरियस है। हाँ साहब, लेकिन अभी वो ठीक है, ऐसा किडनैपर ने बोला। मतलब आपको किडनैपर का रैंसम कॉल आया था? हाँ आया था सर, दो दो बार आया था। पहला कॉल तब आया था जब ध्रुव हमारे साथ था। बुआ आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हेलो, तुम्हारी बेटी हमारे पास है, 10 लाख तैयार रखना। हेलो, हेलो। और दूसरा कॉल? दूसरा कॉल ध्रुव के गायब होने के बाद आया था सर। हम लोगों को लगा कि ध्रुव ने ये सब किया, किडनैपिंग करवाई, क्योंकि दूसरा कॉल थोड़ा अटपटा था सर। हेलो, माधुरी सेठी, अपनी बेबी को लेकर परेशान मत होना, बस हमें ज्यादा नहीं 10 लाख चाहिए, कब तक अरेंज कर सकती हो? तुम कम बोल रहे हो? इस क्वेश्चन से तुम्हें तुम्हारी बेटी तो नहीं मिलने वाली? नहीं, वो अभी 2 घंटे पहले किसी और का भी फोन आया था दूसरे नंबर से, वो भी 10 लाख की डिमांड कर रहा था, इसलिए। वो फर्जी था, कोई तुम्हें उल्लू बना रहा है। एंजल है ना तुम्हारी बेटी का नाम? हाँ, देखो उसको ना अस्थमा है, वो पंप के बिना। डोंट वरी, हम उसका वो इनहेलर ले लेंगे, बस तुम 10 लाख की जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट कर लो। आप अपनी बेटी की फोटो यहाँ दे दीजिए, और वो दोनों नंबर्स भी दीजिए जहाँ से आपको फिरौती के लिए कॉल आया है, हम जल्दी से जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये सब लोग? सब, ये मेरी बड़ी बहन है शिल्पा, उसके हस्बैंड, और ये हनीब मेरे साथ काम करती है। इनके अलावा आपके घर में और कौन? कोई नहीं है सब, माँ बाप बहुत पहले मर चुके हैं। एक बड़ा भाई था, नागपुर में रहता था, उसका भी कार एक्सीडेंट में उसकी बीवी के साथ, ध्रुव उनका ही बेटा था सब, जो हमारे साथ रहता था। और आपके हस्बैंड? मेरी शादी नहीं हुई सब, सॉरी। एंजल के फादर? वो मैं कंफर्म नहीं बता सकती सब, उस टाइम पे। इट्स ओके, आप प्लीज अपना फोन मुझे देंगे? डरिए नहीं, हम सिर्फ आपके फोन में एक ऐप फिट करेंगे, आपको किडनैपर का जब भी फोन आएगा हमें तुरंत पता चल जाएगा। प्लीज। हेलो, तुम्हारी बेटी हमारे पास है, 10 लाख तैयार रखना, कब कहां देने हैं बता देंगे। हेलो, माधुरी सेठी, अपनी बेबी को लेकर परेशान मत होना, वो हमारे पास है, बस हमें ज्यादा नहीं 10 लाख चाहिए, कब तक अरेंज कर सकती हो? तुम कम बोल रहे हो? इस क्वेश्चन से तुम्हें तुम्हारी बेटी तो नहीं मिलने वाली। गायकवाड़, ये दोनों फोन कॉल्स अलग अलग लोगों ने किए हैं। जी सर, दोनों की आवाजें अलग हैं और बात करने का तरीका भी अलग। सर एक ये हो सकता है कि इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड ध्रुव हो, और ध्रुव के मर्डर के बाद किडनैपर्स में फूट पड़ गई और अब अलग अलग फोन कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जिसने इस एंजल को किडनैप किया है उसी ने ध्रुव का मर्डर भी किया है, ध्रुव को रख के कोई फायदा नहीं था इसलिए ध्रुव को मार दिया, और अब एंजल को रख के फिरौती की रकम वसूल करना चाहता है। मतलब अगर हमें एंजल का किडनैपर मिल गया तो हो सकता है ध्रुव का कातिल भी मिल गया। पता नहीं सर, अचानक से ये सब क्या हो गया, मेरा ध्रुव दुनिया छोड़कर चले गया, मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा सब, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, पता नहीं कहाँ होगी कैसी होगी। बेटा एक मिनट, तुम तीनों ध्रुव के दोस्त हो? हाँ अंकल। अच्छा मुझे ध्रुव के बारे में तुमसे कुछ पूछना है। अंकल आप कौन हो? बेटा मैं पुलिस से। अच्छा ये ध्रुव की किसी के साथ कोई दुश्मनी, उसे कौन मार सकता है कुछ जानते हो? नहीं अंकल। ध्रुव लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहनता था? अंकल उसे डांस का बहुत शौक था, फिर वो जब अपनी बुआ के यहाँ रहने आया तो यहाँ डांस की रेगुलर प्रैक्टिस होती थी। लेकिन डांस का लड़की बनने से और ये लड़कियों के कपड़े पहनने से क्या कनेक्शन है? अंकल उसे लगा वो अपनी बुआ की तरह बार डांसर बन के बहुत पैसे कमा सकता है। तो फिर वो कपड़े किसके हैं जो वो पहनता है, उसकी बुआ के? नहीं सर, वो उसके घर में रहती है ना हनी,
उसके थे। तो ध्रुव ने जो ड्रेस पहनी थी वो ड्रेस तुम्हारी थी? हाँ सर। ध्रुव को ये लड़कियों वाली ड्रेस पहनाना ये पूरा आइडिया तुम्हारा था? नहीं सर, एक दिन जब मैं अपने घर पर थी और नहा रही थी तो ध्रुव घर पर आया था और सर खुद ही उसने ये ड्रेस ट्राई कर ली थी। ध्रुव सॉरी दीदी, मैं इसको अभी निकाल। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है हनी, ध्रुव को किसने मारा होगा? साहब, ध्रुव को जाना था, चले गया। आप प्लीज मेरी मेरी बेटी को ढूंढिए ना। देखिए मैडम, ध्रुव के मर्डर में और आपकी बेटी की किडनैपिंग में कोई कनेक्शन है? अगर ध्रुव का मर्डरर पकड़ा जाएगा तो आपकी बेटी भी मिल जाएगी। सर आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मेरी एंजल के बिना मेरा एक दिन कैसे बीता उसे मैं जानती हूँ। आपको मर्डर नहीं पड़ी, किडनैपर को पकड़िए ना सर। लेकिन मुझे पहले अपनी बेटी की आवाज़ सुननी, मैं कैसे मान लूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है? दो पैसों का इंतजाम कर। लेकिन वो ठीक। हेलो हेलो हेलो, तबियत ठीक है? जैसे ही बोलेगी फोन करता हूँ। दो पैसों का इंतजाम कर। सर ये आवाज़ उस किडनैपर की लग रही है जिसका कॉल सबसे पहले आया, मतलब ध्रुव गायब होने से पहले। और वो जो दूसरा कॉल था उसने दोबारा कभी फोन नहीं किया? नहीं, समथिंग इज रॉन्ग गायकवाड। मुझे लगता है कि रियल किडनैपर एक ही है जिसके पास ये एंजल है। मुझे बताओ इसका पहला फोन कॉल कैसे आया था? सर उसने पहला कॉल पब्लिक फोन बूथ से किया था। अच्छा, और वो जो दूसरा कॉलर था उसने दोबारा कभी फोन नहीं किया? सर दूसरे किडनैपर ने अपना कॉल इंटरनेट कॉलिंग के थ्रू किया था लेकिन उसका आईपी एड्रेस हम अब तक ट्रेस नहीं कर पाए। ये जो पब्लिक फोन बूथ है इसके आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करो। सर वहाँ आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला और एंजल और ध्रुव की फोटो भी हमने आसपास लोगों को दिखाई लेकिन किसी ने भी उन्हें पहचाना नहीं। एज अ पुलिस ऑफिसर ये केस मेरे लिए टेस्ट था। एक छोटी बच्ची एंजल की जान खतरे में थी, उसे किडनैपर से छुड़वाना मुझे प्रायोरिटी लग रही थी लेकिन तभी ध्रुव मर्डर केस में हमारे सामने कोई लीड आ जाती और हमारा ध्यान उधर बढ़ जाता। आखिरकार हमने ये सोच समझ कर डिसाइड किया कि हम एंजल को छुड़वाने पर ही पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करें और तभी हमारे सामने एक ऐसी लीड आई जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत मदद मिली। मैडम कहिए, मुझे बड़े इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है। बोली। हनी क्या बात है? सर जब लास्ट टाइम आप मुझसे मिले थे तो मुझे कुछ बात बतानी थी आपको लेकिन मैं कुछ बताती तब तक माधुरी दीदी वहाँ आ गई थी। सर ध्रुव को शक था कि एंजल की किडनैपिंग ओम जी ने की है। क्या बात है ध्रुव? हनी दीदी आपने नोटिस किया जब ओम फूफा जी घर से बाहर गए थे उसी बीच में किडनैपर्स का फोन आया? हाँ। मुझे लगता है ओम फूफा जी ने किडनैप करवाया एंजल को। फिर ध्रुव ने क्या किया? सर फिर ध्रुव ने डिसाइड किया कि वो ओम का पीछा करेगा लेकिन सर मुझे बहुत डर था कि कहीं ध्रुव को कुछ हो ना जाए, इसलिए सर मैंने ध्रुव को लड़की बनाया ताकि ध्रुव पर कोई शक ना करे। शिल्पा मैं जरा नीचे जाके आता हूँ। हेलो ध्रुव, ओम जी निकल चुके, तुम भी निकलो। लेकिन ये बात तुमने माधुरी को क्यों नहीं बताई? सर हमें पहले सिर्फ ओम जी पर शक था, हम पहले इस बात को कंफर्म करना चाहते थे लेकिन ध्रुव की मौत के बाद यकीन हो गया कि ओम जी ही गलत है क्योंकि ध्रुव ही लड़की बनकर उसका पीछा करने गया था। मतलब ये हो सकता है कि ध्रुव का मर्डर ओम ने किया हो सकता है सर, क्योंकि सर ध्रुव के मर्डर के बाद मैं माधुरी दीदी से बात करने गई थी। किधर जा रही थी? मैं जा रही हूँ माधुरी दीदी को तुम्हारा सब सच बताने के लिए। तो सबको सच्चाई बताएंगे, रुक। हेलो। हाँ माता जी, जय श्री कृष्ण। हनी से बात करिए। ले बात कर, बात कर। हेलो। हाँ डिग्री, हाँ तू ठीक तो छे ना?
हेलो। देख, तेरी माँ ये समझती है कि तू यहाँ पार्ट टाइम नौकरी करके पढ़ाई कर रही है, और अगर तू ये चाहती है कि तेरी माँ इसी झूठ के साथ खुश रहे तो कुछ सच्चाई छुपाना भी सीख ले, नहीं तो तेरी सच्चाई अगर उसके सामने आ गई ना तो सोच ले बेचारी जीते जी मर जाएगी। सर इसलिए इतने दिन मैं चुप रही, लेकिन सर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सर उमला उसले सका उतनुन फायदा का है कोड, हमारे पास प्रूफ क्या है? हमारे पास क्या प्रूफ है कि ओम ने ही ध्रुव को मारा है, या ओम ने ही एंजल को किडनैप किया है, या फिरौती की डिमांड की? अगर उठा भी लेंगे तो कोर्ट में मुकर जाएगा, छूट जाएगा, उसको रेड हैंडेड पकड़ना पड़ेगा। शिल्पा मैं जरा आता हूं, थोड़ा काम है। हेलो। हाँ सर ओम जी अभी बाहर निकले। ओके थैंक यू। तीन घंटे होश में रह ले, एक बार तेरी माँ तुझे देख ले मुझे मेरे पैसे। एंजल, एंजल, गायकवाड़, लड़की क्रिटिकल है, तू मत लेके जाओ हॉस्पिटल। चलो चल चल चल। पानी दीजिए सर, पानी पानी दे सर। एक छोटी सी बच्ची के जान के साथ खिलवाड़ किया तूने, शिर के वक्ता का एक घाला तोड़ डा मिर्चा। डबे सर एंजल अब ठीक है? ठीक है। अब ये बता तूने ध्रुव को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा सर, बिना मार रहे। ध्रुव को ये पता चल गया था कि तूने एंजल को किडनैप किया है और इसीलिए तूने उसका मर्डर किया। वो मेरे पीछे आया जरूर था, पर उससे पहले मुझे पता चल गया था। सर मैंने जब ध्रुव को पहचान लिया तो मैंने उसे घुमा कर चकमा दे दिया, उसके पास से मैंने भी उसे नहीं देखा था। तो तू ये कहना चाहता है कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन 5:30 बजे तू उस पार्क में नहीं था? नहीं था सर, मैं तो वो एंजल के लिए वो दवाई लेने गया था पंप। आप चाहे तो मेडिकल वाले से पूछ लीजिए सर। देखो लड़की के किडनैपिंग के जुर्म में तो तू यहाँ पर सड़ेगा ही, अब बस देखना यह है कि मर्डर के जुर्म में तू फांसी पर चढ़ता है या नहीं। गायकवाड़ मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ध्रुव का मर्डरर कोई बाहर का आदमी नहीं है, इन्हीं में से कोई एक है जो उसका मर्डरर है। इस ओम के लिए तो चेक कर ली, ये सच कह रहा है। ये मेडिकल शॉप में दवाई की पंप ले रहा था, बचे माधुरी, उसकी बहन शिल्पा, हनी, ड्राइवर भोला और ध्रुव के तीन दोस्त मुदित, आरव और जिमी। पर हमारी पूछताछ में अब तक ये पता चला है कि ये शिल्पा ध्रुव से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। बुलाओ इसे। ध्रुव के आने से आप बहुत ही इनसिक्योर हो गई थी, आपको ऐसा लगने लगा कि माधुरी की लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। अगर ध्रुव माधुरी के घर में टिक गया तो हो सकता है कि कल को माधुरी आपको घर से बाहर निकले, अगर ऐसा हुआ आपकी कमाई का एकमात्र जरिया बंद हो जाए, और इसीलिए आपने ध्रुव का मर्डर किया। नहीं साहब मैंने ध्रुव को नहीं मारा, आप चाहिए तो किसी से भी पूछ लीजिए। जब ध्रुव की मौत हुई मैं माधुरी के घर पर थी। साहब मुझे नहीं पता शिल्पा उस दिन घर पे थी या नहीं, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी। कहाँ गई थी आप? साहब वो मैं उन लोगों से मिलने गई थी जिनके साथ मेरे पहले संबंध थे, मेरा मतलब है एंजल के पैदा होने से पहले। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा था कि उनमें से किसी ने बेटी को पाने की लालच में उसे किडनैप तो नहीं कर लिया। ठीक है, उन सारे लोगों के नंबर्स और नाम हमें चाहिए। जी। वैसे आप गई कैसे थी, गाड़ी से? हाँ सर। अपने ड्राइवर को बुलाइए जरा। सर भोला तो उस दिन से आया ही नहीं, मैं गाड़ी खुद चला कर गई थी और तब से उसका फोन भी बंद है। कहाँ रहता, कहाँ ये भोला?
भोला, भोला नाम है ना तुम्हारा? जी। भोला, शक्ल तो बड़ी कमीनी है तुम्हारी। एक बात बता बोले, ध्रुव की वजह से तुम्हारी माधुरी मैडम ने एक बार तुमको डांट दिया। सिर्फ डांटा नहीं, तुमको थप्पड़ मारा, और तुम्हारे मन में इस बात की खुन्नस बैठ गई, और इसीलिए तुमने ध्रुव का मर्डर कर दिया। नहीं नहीं साहब, कसम खाकर बोल रहे हैं साहब, ऐसा नहीं किया हमने साहब। अच्छा, तो जब ध्रुव का मर्डर हुआ तब तुम कहाँ थे? वो क्या है ना साहब, बिल्डिंग से हमें एक लौंडिया निकलती हुई नजर आई। सारे लौंडिया मतलब महिला निकलती हुई नजर आई हमें। हम थोड़ा लट्टू हो गए उसके ऊपर, गाड़ी के पास ही खड़े हुए थे, उसके पीछे निकल पड़े। हमारी बीवी का फोन आया कि उसे अस्पताल ले जा रहे हैं, तो हम वहाँ से वापस लौट गए, सीधा सोसाइटी गए, वहाँ गार्ड को चाबी दिए और फिर सीधा अस्पताल चले गए। 3 दिनों तक अस्पताल में थे साहब, आप चाहें तो किसी से भी पूछ लीजिए। फोन क्यों स्विच ऑफ था? वो क्या है ना कि माधुरी मैडम हमें वक्त बे वक्त फोन करके ड्यूटी पर बुलाती थी, और ऐसी स्थिति में हम अपनी बीवी को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ किया था। कसम खाते हैं साहब। सर, वो ड्राइवर भोला सच कह रहा है, उसने वाकई उस दिन चाबी वॉचमैन को दी थी, और उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट थी, उसे बेटी हुई। और माधुरी और शिल्पा? शिल्पा के मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक वो घर पे ही थी, और माधुरी भी सच कह रही, वो अपने पुराने क्लाइंट्स को मिलने गई थी। अगर सभी क्लीन है तो फिर कल्प्रिट कौन है? गायकवाड़? हनी। गायकवाड़ कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हनी हमारे साथ गेम खेल रही है? खुद को बचाने के लिए उसने बड़ी चालाकी से हमारा ध्यान उस ओम की तरफ डाइवर्ट कर दिया। एक काम करो, हनी को पुलिस स्टेशन पर बुलाओ। सर, ध्रुव मेरे छोटे भाई जैसा था, भला मैं उसे क्यों मारूंगी? जिस शाम को ध्रुव ओम का पीछा कर रहा था, जिस शाम को ध्रुव का मर्डर हुआ, उस शाम को तुम कहाँ थे? सर, मैं अपने घर थी। ध्रुव तू चिंता मत कर, हो सकता है तुझे ओमजी पर ऐसे शक हुआ हो, ओमजी ने नहीं किडनैपिंग की हो एंजल की। सारा सच पता चल जाता, लेकिन पता नहीं वो कैसे मेरी नजरों से हट गए। यानी जब ओम ने ध्रुव को चकमा दिया था, उसके बाद ध्रुव तुमसे मिलने आया था? हाँ सर। फिर क्या हुआ? दीदी, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ ना। हाँ। और सुनो, फोन देकर जाओ। क्या तुम्हें वो नंबर याद है जिस नंबर पर ध्रुव ने तुम्हारे फोन से कॉल किया था? नहीं सर। कितने बजे हुआ था ये सब? सर, लगभग यही कोई 4:45 बजे। 4:45 मतलब ध्रुव के मर्डर से आधे घंटे पहले। एक काम करो गायकवाड़, इसके कॉल डिटेल्स निकालो और देखो कि मर्डर वाले दिन 4:45 बजे के आसपास इसके फोन से किसको कॉल किया है। सर। हाँ शोभा। नहीं नहीं, आज लेट हो जाएगा, लेकिन खाना मैं घर पर आकर ही खाऊंगा। अरे बाहर कभी कुछ खाता हूँ क्या मैं? हाँ चलो रखो सर। ओके। सर, हनी के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक ध्रुव ने हनी के फोन से जो कॉल किया था, वो अपने दोस्त आरव को किया था। सर, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है, ये आरव, मुदित और जिमी, इन तीनों के फोन सोसाइटी में ही 5 बजे स्विच ऑफ हुए थे एक साथ। जी सर। इन तीनों के फोन 5 बजे एक साथ स्विच ऑफ हो गए, और 5:30 बजे ध्रुव का मर्डर हो गया। वैगॉट, इन तीनों को उठा कर लाओ। मुझे बचपन में एक बात पता चली थी, जब मिर्ची पेट के अंदर जाती है तो पेट से सारा सच बाहर निकलता है, इसलिए तुम तीनों के लिए हम लाए हैं ये फ्रेश हरी मिर्चियां। चलो लो खाओ, चलो लो उठाओ खाओ। तुम तीनों को ही खत्म करनी है सारी मिर्ची। सर, इसने मारा था। मारा था सर। नहीं सर, सिर्फ मैंने नहीं मारा है, ये दोनों भी मेरे साथ थे सर, हम तीनों का प्लान था सर। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स, अब डिटेल में पूरी कहानी। चलो सर, हमारा प्लान ध्रुव को मारने का नहीं था सर, हमें तो बस एंजल को किडनैप करना था, और इस बारे में हमने ध्रुव से भी बात की थी। ध्रुव, तू वो सेक्स चेंज ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेता? आई मीन, उससे ना तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे यार, फिर तू तेरी बुआ की तरह बाल डांसर बन सकता है, तू नाच पाएगा और तेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, फिर हम भी तेरा जो भी बिजनेस होगा वो थोड़ा मैनेज कर लेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन सेक्स चेंज ऑपरेशन बहुत एक्सपेंसिव है। अरे यार, लेकिन वो तेरे पैसे कहाँ से लाएगा? बुआ से मांग ले,
उनके पास दो दो फ्लैट है। बुआ पहले से ही मेरे लिए बहुत कुछ करती है, उनसे मांगना ठीक नहीं होगा। ठीक है, हमें काम करता है। वो जो तेरी छोटी बहन है ना, जो घर में रहती है, एंजल, उसका किडनैप कर लेता है। बट आई स्वेयर सर, हमने एंजल का किडनैप नहीं किया सर। एंजल का किडनैप करके ना किसी ने तो हमारी हेल्प की है। जिसने किडनैप किया है उसे करने दे, लेकिन हम ऐसा क्लेम करेंगे कि एंजल का किडनैप हमने किया है, फिर कॉल करके पैसे ले लेंगे। बुआ वैसे भी परेशान रहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उस दिन 4 बजे हमें ध्रुव सोसाइटी में मिला। ध्रुव, हम तुझे ही अभी कॉल करने वाले थे। क्यों? अरे हमने तेरे लिए ना एक मैनेजर की अरेंजमेंट किया है, जो तो लड़का हो के भी तुझे एक बार डांसर बना सकता है। बस एक काम कर, 6 बजे ना वो रामनगर वाला गार्डन है ना, वहाँ आ जा। फिर हम तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम ध्रुव को डराएंगे। मैं 15 मिनट में निकल रहा हूँ गार्डन के लिए। हाँ हाँ आ जा। वो आदमी किधर है जो मुझसे मिलने आने वाला था और मुझे डांस बार में काम दिलाने वाला था? हाँ वो भी आ ही जाएगा। बोल, हम जैसा बोलेंगे वैसा करेगा या नहीं? ए, चाकू नीचे रखा, देख देख कुछ गलत होगा ना, मैं नहीं करूँगा। कुछ गलत नहीं है, बस तुझे ना तेरी बुआ से एंजल की किडनैपिंग के पैसे लेने। गलत काम ये नहीं करने वाला मैं। हम तुझे तेरा हिस्सा दे देंगे। अरे तेरे पास अपने खुद के पैसे होंगे जिससे तू अपना सेक्स चेंज का ऑपरेशन करा सकता है। मेरे को कोई ऑपरेशन नहीं कराना है। अबे तुझे नहीं करना ना, मत कर, हमें पैसे कमाना है। बहुत सारी चीजें मंगाई है ऑनलाइन, हमें सब खरीदनी भी है, इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद रखना, समझा? ये पागल है क्या? मैं तुम लोग से बात नहीं कर रहा, ये गलत है। हट। मतलब एक जुर्म करने के बाद भी, एक मर्डर करने के बाद भी तुम तीनों को चैन नहीं मिला। तुमने माधुरी को रैंसम कॉल किया। हमें ज्यादा नहीं, बस 10 लाख चाहिए। आरव, मुदित और जिमी पर जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और सजा के तौर पर उन्हें जुवेनाइल होम भेज दिया गया। ये चारों बच्चे कुछ ज्यादा पाने की लालच में अपने जिंदगी के सबसे अच्छे दिन गंवा बैठे और बेचारा ध्रुव तो अपनी जान से हाथ धो बैठा। कि युवा हमारे देश की शक्ति है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस शक्ति को सही दिशा दें। मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं, दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।